नियम हेडिंग लगाइएगा और उसमें लिखिएगा दो पोलराइडों के अच्छों के बीच के कोण के कोज्या, दो पोलराइडों की अच्छों के बीच के कोण की कोज्या का वर्ग के अनुसार दो पोलराइडों की अक्षों के बीच के कोण की कोज्या के वर्ग के अनुसार पोलराइड से निर्गत ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता परिवर्तित होती है प्रकाश की तीव्रता परिवर्तित होती है। ये मैलस का नियम है। बट फिलहाल देखिए क्या है, ये पूरा रिजल्ट इसे समझते हैं। मान लेते हैं एक पोलराइड ये है जहाँ पे अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है, ये आधुर्वित प्रकाश है, अनपोलराइज्ड है, और ये इसकी एक्सिस है, पोलराइड की एक्सिस। जब प्रकाश की किरण इसमें से होकर गुजरेगी तो दूसरी तरफ प्लेन पोलराइज्ड हो जाती है ऐसे। ये है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है एक दूसरे पोलराइड से होकर गुजरेगी, इसके लिए एक्सिस ऐसे है। तो जो बाहर लाइट आएगी उसकी इंटेंसिटी मान लो क्या है, आई, और यहाँ पे जो लाइट आ रही थी इसकी इंटेंसिटी है आई नॉट, और ये अनपोलराइज्ड लाइट है या इसे नेचुरल लाइट कहते हैं, प्राकृतिक प्रकाश जो कि अनपोलराइज्ड है। पहले पोलराइजर से ये पास आउट हुआ तो इस पोलराइजर से पास आउट होने पे प्लेन पोलराइज्ड हो गया। प्लेन पोलराइज्ड हो जाएगा तो डेफिनेटली नेचुरल लाइट से इंटेंसिटी प्लेन पोलराइज्ड वाले लाइट की इंटेंसिटी कम होगी। फिर ये जब अगले नेक्स्ट बी क्रिस्टल जिसका नाम एनालाइजर होता है, एनालाइजर से पास आउट होगी तो इसकी इंटेंसिटी और डाउन हो जाएगी और कम हो जाएगी। हिंदी में इन्हें क्या कहते हैं, क्रमशः ध्रुवक, और एनालाइजर को बोलते हैं विश्लेषक। तो जो विश्लेषक आप देख पा रहे हो, जो ध्रुवक पोलराइजर एनालाइजर है, इन दोनों की एक्सिस के बीच में कुछ कोण बन रहा है ना, इसकी एक्सिस ऐसे है और ये एक्सिस ऐसे है, यानी जो पोलराइजर है वो एक्सिस यहाँ पे है और ध्रुवक की एक्सिस ये हो गई, ये विश्लेषक है सॉरी, और दोनों की एक्सिस के बीच का एंगल कितना है, थीटा। दोनों की एक्सिस के बीच में एंगल क्या है, थीटा। तो मैलस का कहना था कि ये जो लाइट आई आप देख पा रहे हो, ये लाइट आई जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, कॉस स्क्वायर थीटा के। यही मैलस का नियम है। या इसे और अधिक अच्छे से लिखा जाए तो इसको लिखते हैं आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें आई नॉट क्या है, पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी, और आई क्या है, एनालाइजर से आउटपुट हुए लाइट की इंटेंसिटी है। दैट्स क्लियर, इतनी बात स्पष्ट है। अब इस मैलस के नियम को प्रूव भी करना है कि ये कैसे होता है, जैसे हमने ब्रूस्टर को डिराइव किया है ऐसे मैलस को डिराइव करेंगे। तो देखते हैं कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा। जो अनपोलराइज्ड लाइट है मान लेते हैं उसके लिए इलेक्ट्रिक वेक्टर का एम्पलीट्यूड क्या है, स्मॉल ए। इसका प्रूफ देखते हैं। तो मान लेते हैं जो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स हैं, वैद्युत वेक्टर
इनके लिए वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड स्मॉल ए है। आप जानते हो अगर एम्पलीट्यूड ए है तो ये जो डिस्टेंस है वो ए बनेगी, यही तो बनेगा ना। फिर इस ए के घटक बना सकते हैं ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। हमें सिर्फ कौन सा घटक लेना है इसके लिए, ए कॉस थीटा लेना है, साइन लेना ही नहीं है। तो हम जानते हैं जो प्रकाश की तीव्रता होती है वो अनुक्रमानुपाती होती है किसके, आयाम के वर्ग के। यहाँ पर आयाम क्या है, ए कॉस थीटा है, इसका वर्ग करेंगे तो आई इज़ प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट अवश्य लिखेंगे, मैंने के लिखा, के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो के ए स्क्वायर टर्म यहाँ देख रहे हो आप, इसे कहते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी, दैट इज आई नाट। तो आई बराबर आ गया आई नाट कॉस स्क्वायर थीटा, यही मैलस का नियम है। या अगर आई नाट हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे तो हो जाएगा आई इज प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर, यही मैलस का नियम है। अब इस मैलस के नियम में दो तीन शर्तें हैं जिन्हें हमें समझ के रखना है। जैसे कि पहला कंडीशन है केस वन, मान लीजिए थीटा की वैल्यू क्या है, जीरो है। थीटा की वैल्यू जीरो कब होगी, जब विश्लेषक और ध्रुवक के अच्छे एक दूसरे के समांतर हो जाएं, यानी पोलराइजर और एनालाइजर दोनों क्या हैं, समांतर हैं। पी माने पोलराइजर, ए माने एनालाइजर। अगर ये समांतर है तो कास जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन, और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो ऐसे में हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी कितनी, आई बराबर आई नाट कास स्क्वायर जीरो, यानी आई की वैल्यू केस नंबर टू। मान लीजिए थीटा की वैल्यू क्या है, 90। ऐसा तब होगा जब पोलराइजर और एनालाइजर परस्पर परपेंडिकुलर लंबवत हों, और कास 90 की वैल्यू जीरो होती है। तो आई बराबर क्या मिलेगा, आई नाट इंटू जीरो स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जीरो लिखना है। तो आई की वैल्यू क्या आएगी, इसका मतलब नो लाइट। अगर एनालाइजर और पोलराइजर परपेंडिकुलर है तो एनालाइजर से आउटपुट लाइट हमें मिलेगा ही नहीं। और केस नंबर थ्री, 180 कोई होता ही नहीं है जी, इसमें 180 क्या है, 180 माने वापस वही एक्सिस आ जाएगी। केस नंबर थ्री की पोलराइजर हो ही ना, देयर इज नो पोलराइजर, कोई पोलराइजर ना हो, सीधा सीधा लाइट कहाँ जाए, एनालाइजर पर जाए, तब ऐसे में इंटेंसिटी आई बराबर हो जाती है हाफ आई नाट। ये याद रखने वाली चीज़ है। अगर ये पोलराइजर नहीं होगा तो ये अनपोलराइज्ड लाइट डायरेक्ट अगर एनालाइजर पे आएगी तो एनालाइजर हमेशा इसकी इंटेंसिटी को 50% क्या करेगा, डाउन कर देगा, यानी 50% लाइट की इंटेंसिटी डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। बिल्कुल, एनालाइजर ही पोलराइजर का काम करेगा और 50% रिड्यूस कर देगा इंटेंसिटी को। नोट कर लीजिए, वीडियो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को।